Guru Kripa Hi Kevalam.
गुरु महाराज की जय। पर ब्रह्म परमात्मा को सबके अंतर्यामी रूप में स्मरण करते हुए उपस्थित सभी संतजन एवं भक्तगण, तो कल तक जो विचार हुआ है इसमें कुछ प्रश्न है इसके विषय में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो शेष समय है उसमें आगे का संक्षेप विचार रखेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। स्वामी जी ने बताया था ना कि कोई भी बिना आश्रम नहीं रह सकता है, कोई भी बिना आश्रम का नहीं होता है, तो ब्रह्मचर्य समाप्त करके वो गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता है, तो ब्रह्मचर्य के बाद और गृहस्थ के बीच में वो उसको गुरु दक्षिणा देना है और उसमें वो बीच का जो पीरियड है तो उसमें क्या वो करेगा और कौन से आश्रम में वो। इसका मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ के गृहस्थ में जा रहा है, इसके बीच में जो समय है उसको समावर्तन काल कहा है। समावर्तन काल में, समावर्तन काल में वो किस आश्रम में रहेगा ऐसा पूछने पर वो अभी गृहस्थ आश्रम के तरफ ही है। अब उसके लिए जो कर्म करना है उसका समय अभी बचा हुआ है, किंतु ये अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनम एकम, ये जो नियम है इसके विषय में मैं शायद और स्पष्ट नहीं किया था। इसमें ये आजकल के स्थिति में ऐसा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम होने के बाद, मतलब पढ़ाई हो गई उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया और संन्यास में भी प्रवेश नहीं किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो उनके जीवन को सेवा आदि कार्य में समर्पित किया है, ऐसे उनका जीवन बिताया है। तो ये जो है ये अवस्था क्या है इसके विषय में ये जानना है कि जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके गुरुजी की सेवा करते हैं उसी प्रकार एक नैष्ठिक अवस्था ही इसको मानते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य से लेकर के ही इसकी अवस्था मानी जाएगी। किंतु वो लोक उपकारार्थ पूरे सेवा समर्पित किया है तो इनका जीवन की जो शैली, जीवने की शैली कैसे होनी चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए इनको, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो नियम है उसका आचरण करना चाहिए। और संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं किया क्योंकि कर्म बंधन के लिए जो विरजा होमा आदि करना है उसको नहीं करने से उसको नहीं ले सकते, किंतु ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्म हो चुका है इस दृष्टि से ऐसा उनको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से वो लोकोपकार अर्थ करते रहेगा, यद्यपि इसमें शास्त्र में कोई स्पष्ट विधि नहीं मिलता है कि इस अवस्था में क्या करना चाहिए। किंतु एक आश्रम से दूसरे आश्रम जाने के बीच में जितने समय का अंतराल आता है ये अंतराल कुछ निश्चित होना चाहिए, वैसा बहुत समय नहीं रह सकता है। तो अभी कई परेशानियां आते हैं कि गृहस्थ में प्रवेश करने के पहले जो नौकरी आदि करना चाहते हैं इत्यादि है, घर बनाते हैं कोई, या फिर कन्या नहीं मिलती है तो कन्या को पुरुष नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे सभी होता है। इन सभी अवस्था में जो नियम ब्रह्मचर्य का बोला गया है उसमें गुरु सेवा आदि तो नहीं करेंगे गुरुकुल में नहीं है तो बाकी नियमों का वो पालन करते रहे जब तक गृहस्थ आश्रम धर्म का अनुपालन आरंभ नहीं होता है। तो गृहस्थ आश्रम धर्म का अनुपालन विवाह के बाद ही आरंभ हो सकता है, ऐसा उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
तो ये सामान्य विधि है, इसमें ये विशेष हो जाएगा। इसी प्रकार गृहस्थ से आगे भी वानप्रस्थ में भी ऐसा है कि धीरे धीरे उससे अलग होना है, ऐसा करके उसको आगे समझ सकते हैं। तो सामान्य रूप से जो आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हुए नहीं रह सकते, ये उस विधि का तात्पर्य समझना चाहिए। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। कल स्वामी जी एक प्रश्न है। अच्छा आइए। ये सब हम जो पढ़ते हैं और हमारा शास्त्र वो ये दिखाता है, पर समय का बहुत बहुत परिवर्तन आ गया है और हमारा जीवन शैली भी बहुत बदल गया है और अंत भी हमारा बदल गया है, तो क्या उस प्रकार का सब पालन करके हम जो हमारा शास्त्र में लिखा है उसका हम कुछ अनुसरण कर सकते, कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो मेरा प्रश्न है। जी अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। इसमें सबसे पहले ये कारण आपने बताया कि काल का परिवर्तन हुआ है, जीवन शैली का परिवर्तन हुआ है। तो काल का परिवर्तन होता रहता है, ये काल गणना में अपने आप चलता है। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, फिर जो है चंद्र तारे अपने अपने स्थान पे बदलते रहते हैं। काल को जब कहेंगे तो काल का अपना है, किंतु यहाँ काल से आप समाज के परिवर्तन को शायद बोलना चाहते हैं। काल के परिवर्तन से सीधा हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि काल के परिवर्तन में हमारा कोई हाथ नहीं है। काल का परिवर्तन स्वयं होता रहता है। आप कहना चाहते हैं समाज का और आपके जो चारों तरफ का जो वातावरण है उसके बारे में। अब ये वातावरण में आप देखना कि ये समाज का परिवर्तन आप कह रहे हैं, समाज में कौन है, मुखिया कौन है, समाज में किसको हम समाज कह रहे हैं? समाज मनुष्य का ही समाज है, क्योंकि बाकी जो जीव जंतु जो समाज में रह रहे हैं, जो पक्षियां हैं, अन्य जीव जंतु है, उनका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वो भगवान का जो कुछ दिया हुआ है, क्योंकि वो सब भोग ही होनी है, आपको बता दिया पहले ही, वो अपने तरह से जीवन चलाते हैं। और जो पंचभूत है वो भी भगवान का ही चलाया हुआ है, तो भगवान जैसा उसको चलाते हैं वो भी ऐसा ही चलता है। नदियां हैं इत्यादि जो भी है। अभी पूरा परिवर्तन का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी परिवर्तन जो दिखाई देता है वो मनुष्य में ही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो समाज का परिवर्तन किसने किया? और दूसरी बात, ये समाज शब्द जो आया ना, हमारे व्याकरण पाणिनी सूत्र के अनुसार ये समाज जो शब्द बहुत महत्व रखता है। समाज शब्द का अर्थ ही पाणिनी जी ने ऐसा सिद्ध किया कि जो वर्ण आश्रम व्यवस्था को पालन करके एक साथ रहते हैं उसको समाज कहा, और ऐसा नहीं रहने वाले को समझ कहा। समझ और समाज दो बनाया उन्होंने, और समझ का मतलब अभी वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा, इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक से नहीं रह रहा है, जो मिलकर के रहता है उसको समाज का। ये जो भी है उसका अर्थ के बारे में। अभी परिवर्तन किसने लाया है? मनुष्य ने ही परिवर्तन लाया है। इसलिए हमने प्रवचन के दूसरे दिन आपको ये कहा, या दूसरे दिन तीसरे दिन ये कहा था कि सारे कर्म सिद्धांत, ये सारे भुवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म के अनुसार आपके ऊपर है, ये हमने बताया था। इसलिए हमने बताया था कि कोई भी परिवर्तन आप जो समझ रहे हैं वो आपके कारण ही हो रहा है। बाकी वायु में परिवर्तन स्वतः नहीं होता है, जल में परिवर्तन स्वतः नहीं होता है। जो हजारों लाखों साल पहले जो वायु है वही वायु है। उस वायु में जो पोल्यूशन आपने किया वो मनुष्य ने किया। पशु पक्षियां कोई पोल्यूशन नहीं करती है, क्योंकि हम जो है भगवान का जो रिसाइकलिंग सिस्टम है उससे बाहर आते हैं और उसको शॉर्ट करते हैं, उसमें शॉर्टकट ढूंढते हैं और उसको बिगाड़ते हैं। ये एक बहुत सुंदर है
इसके ऊपर ही बोलेंगे तो आज का प्रवचन इसी में समाप्त हो जाएगा कि ये जो शॉर्टकट हम कर रहे हैं ना, इसी में ही आपको वो वापस अपने परेशानी के रूप में आ रहा है, क्योंकि रिसाइकलिंग जो भगवान ने रखा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा पा रहा है, इसका असर आप ही कर रहे हैं। तो ये सब कौन कर रहे हैं? मनुष्य ही कर रहे हैं। चारों तरफ का वातावरण का परिवर्तन आप कर रहे हैं और समाज में जो परिवर्तन है वो भी आप ही कर रहे हैं। तो आप ये जान करके, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि ये परिवर्तन हमारे से हो रहा है, तो हमको ठीक जानकारी होने पर इस परिवर्तन को हम फिर परिवर्तित कर सकते हैं। पहले हमारा ये कंडीशन ही होना चाहिए कि हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। हम परिवर्तित नहीं कर सकते ऐसा नहीं, हम पहले गलत कर देते हैं, फिर गलत हो गया समझ के वो नहीं बदल सकता है करके उसको चलाते, ऐसा नहीं है। परिवर्तन हो सकता है, जब बिगड़ा हुआ परिवर्तन हो गया तो सुधारा हुआ परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जब आप सड़क में कचरा डाल सकते हैं, नदी में कचरा डाल सकते हैं, तो वो कचरा को डालने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था भी तो कर सकता है। आप फेंक रहे हैं नदी में, उसको दूसरी जगह फेंको, इतना ही करना है आपको। तो जो आप बिगाड़ रहे हैं वही आप उसको बदल सकते। इसके लिए न काल को दोषी मानिए, ना आप ईश्वर को दोषी मानिए, ना कोई पंचभूतों को दोषी मानिए, ना कोई शास्त्र को दोषी मानिए, कोई भी दोषी नहीं है उसमें। आपका लोभ, आपके अज्ञान, आपका इरेस्पॉन्सिबिलिटी ने ये सब कुछ खड़ा किया है। और भगवान की व्यवस्था में ऐसा आप देखेंगे, भगवान की व्यवस्था में कोई चीज वेस्ट होता नहीं। वेस्ट जिसको आप कह रहे हैं ना, वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता है भगवान की व्यवस्था में। भगवान ने सब चीज को रिसाइकलिंग में, आजकल जो रिसाइकलिंग लोग बोलते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता ये रिसाइकलिंग क्या होता है। तो रिसाइकलिंग भगवान ने बना रखा है और परस्पर आश्रित रखा है। ये बहुत सुंदर है कि कैसे उन्होंने बना के रखा कि उस सिस्टम में उसके अनुकूल आप प्राकृतिक चीजों को लेते समय उसको यूज करने के ढंग से आप यूज करते जाएंगे, वो प्रकृति में फिर लीन होएगा, फिर वो उत्पन्न हो जाएगा। आपका शरीर देखिए, आपका शरीर प्रकृति से उत्पन्न होता है, आप इसको चलाते हैं, बाद में कहां जाता है? वो मिट्टी में जाता है, वो मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी में चला जाता है। ये तो आप समझ ही सकते हैं। और जो पेड़ पौधे आपके चारों तरफ है, जिससे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है। अब इससे ज्यादा रिसाइकलिंग कनेक्टिविटी कहां हो सकता है? पेड़ को आपकी जरूरत है और आपको पेड़ की जरूरत है, तो पेड़ लगाना है वो आवश्यक है, और पेड़ जो है उसको संरक्षण करना आवश्यक है। और आप 1000 पेड़ को काटते हो और 10 पेड़ मुश्किल से लगाते, तो ये सिस्टम भगवान का कहीं भी आप देखिए, हमने बोला ना इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं। पूरा आपको ये जो 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 आप कर रहे हैं इससे क्या क्या इफेक्ट होता है और भविष्य के लिए और क्या हानिकारक है। आप अभी अच्छे बन के बैठे हुए हैं, आप आगे के लिए सोच नहीं रहा, और सारे का कारण क्या है? आपका लोभ है। आप लोभ पर अपना काम चल रहा है। आप लकड़ी काट के लाते हैं या पानी को खराब करते हैं, ये वायु को खराब करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने भोग सुख के लिए ही कर रहे हैं। और ये अनित्य शरीर, ये अनित्य व्यवस्था, इसके लिए आप पूरे को बिगाड़ रहा है। इसीलिए इस जो व्यवस्था के बाद अब हम कह रहे हैं, इसका हमारा शुरू से ही ये उद्देश्य रहा। हमने ऐसे ही कहा कि हमारा ये उद्देश्य सारे नियम का जैसा जैसा लिखा है पूरा आपको मंत्र सहित पढ़ा करके आचरण में अभी प्रैक्टिस में लाने का उद्देश्य में नहीं है। आपको खाली जानकारी देना है ऐसा इसमें है। हमारी वैदिक परंपरा का ये उद्देश्य है, हम वैदिक परंपरा में है तो इसको समझ करके आपको आगे जाना है। बाकी इसमें विशद रूप से आपको जो प्रैक्टिस करने की जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए अलग से उसको पढ़ना पड़ेगा, जो जानकार है उनके पास जा करके अलग से उसको जानना पड़ेगा। हम जनरली बोल रहे हैं, सामान्य बोल रहे हैं, संक्षिप्त में बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आज भी ये संभव है। तो ये आश्रमों की व्यवस्था और ये जो भी कार्य करने की हमारी व्यवस्था, दिनचर्या की व्यवस्था, ये हम
कर सकते हैं, हमारे अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। लाइफस्टाइल बनाया हुआ होता है, और अभी का जो लाइफस्टाइल बना हुआ है हम वेस्ट को अनुकरण करके बनाया है। हमारे जो जो अभी है हम वेस्ट को अनुकरण किया है। विदेशियों ने बहुत समय हमारे ऊपर राज किया, राज करने के बाद हमारे जो स्वतंत्र सेनानियां है, महापुरुष है, उनकी कृपा से जैसा भी उन्होंने बहुत समय तक लड़ाई लड़के उनको यहां से भगाया, वो तो भाग गए, अच्छा है। किंतु उनकी जो चपरासी है, उनके जो चापलूसी है, वो सारे इधर रह गए। वो अभी भी है, वो तो चले गए गाड़ी पकड़ के, किंतु उनको जो उनके जो चपरासी चापलूसी जो 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 था ना, वो इधर रह गया। खाली रहा नहीं, उनके वो जो चापलूसी की बुद्धि है, चपरासी की बुद्धि है, वो भी बुद्धि के साथ रख गया। अभी भी हम उनके अधीन ही है, वो जो करते हैं अच्छा है। तो ये भारतीय संस्कृति जिसके हम रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो संस्कृति हमारे लिए क्या दे रहा है, ये आप स्कूल में सिखाना, ये आप सिखाएंगे तब उनको समझ में आएगा। हमारे ग्रंथों के बारे में एक इंट्रोडक्शन तक स्कूल में नहीं होता है। पढ़ा लिखा लोग अपने आप बोलते हैं, हमने ये ग्रंथ का नाम ही नहीं सुना, ये ऋषि का नाम भी नहीं सुना। क्या क्या सिद्धांत, क्या क्या उन्होंने बताया, कहां तक पहुंचा है, उनका विज्ञान क्या था। विज्ञान को कोई और दूसरे के नाम से बोल देते, वो सारे विज्ञान हमारे वेद में है, कोई भी विज्ञान का इसमें है। डेवलपमेंट अलग अलग है, डेवलपमेंट को हम मानते हैं, सुविधा दिया है, टेक्नोलॉजी दिया, सब कुछ दिया है। आप वेस्ट से इन सबको ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सामर्थ्य है, वो कर रहे हैं, उसमें से जो डेवलपमेंट से फायदा आपको लेना है वो ले सकते हैं। किंतु आप भोग वृत्ति को छोड़ के अपने में लीन होने के लिए वो प्रयोग करिए, अपने अंदर जाने के लिए प्रयोग करिए, ये वातावरण को रक्षा करने के लिए प्रयोग करिए। और जब दूसरे का हम लेते हैं उनका गुणों को लेना है, वो जो गलत करते वो नहीं लेना, उनके जैसा कपड़ा पहनो, उनके जैसा चलो, वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ कपड़ा पहनने के ढंग अलग है और वहां कपड़ा पहनने की लंका अलग है। वो तो उनको वहां ठंडी होती है तो उनको ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाएंगे। और वो कपड़े को आप ला करके स्कूल में लगाते, हम अब सब स्कूल में पढ़ा है ना, इधर बांधते हैं टाई, कितना मुश्किल होता है, कितने पसीने आते हैं, कितने बदबू होता है। क्या जरूरत हमको यहाँ टाई पहनने, क्या जरूरत है। आजकल सारे स्कूल में स्टाइल बनाया, अननेसेसरी खर्चा करते हैं। अब जरा सोचिए क्या जरूरत है बच्चे को ऐसा टाइप पहनने से, वो भारतीय बनेगा क्या, और परेशान हो जाता था। और यहाँ तो चेक के गर्मी कुछ अलग ढंग से, हमारे दक्षिण में जो है इतनी पसीना होते आती थी कि कैसा भी वो घर आकर के उसको निकालने का मन होता था। अननेसेसरी हम उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा दिखने से ही हम जेंटलमैन होता है ये हमारी बुद्धि में बैठे हुआ है। ये किसने बिठाया, हम किससे डर रहे हैं। हमारे भारतीयता में शिखा रखने का, कपड़ा पहनने का, धोती पहनने का, ये सारे ये है। आजकल कोई ब्राह्मण भी शिखा नहीं रख रहा है, क्यों। पहले तो डरना था, मुसलमानों से डर के शिखा रखना छोड़ दिया, शिखा सूत्र छोड़ दिया, क्योंकि शिखा सूत्र दे करके वो पंडित समझेगा वो मुसलमान उन पर अटैक करता था, उसको परेशान करता था, इसलिए छुपने के लिए उन्होंने शिखा सूत्र छोड़ दिया था। उसके बाद ब्रिटिशों से जो भी राज्य किया, विदेशियों को डर करके छोड़ दिया था। आज आप किसको डर के छोड़ रहे, किस कौन आपको डरा रहा है ये सब करने के लिए, नहीं है। तो इसका मतलब हम अभी स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र दिखावे के लिए है, हमारी बुद्धि अभी भी उनके प्रभुत्व में ही चल रहा है, क्योंकि असली बात को हम छोड़ के दिखावा में लगे हुए हैं और अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं, और जो जो जीवन में जरूरत है उसको हमने खो दिया और वो सब अपना के बैठा हुआ है। और उनका वहां जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो कैसे जीवन को चलाते हैं, काम कैसे करते हैं, उनका टाइमिंग कैसे होता है, कोई रिसर्च कैसे करता है, ये आपको सीखनी चाहिए, वो नहीं सीखते। टैक्स देने से हम बचना चाहते हैं, सरकार पैसा कमाते हैं, टैक्स देने से बचना चाहते हैं, ये उनसे सीखना चाहिए टैक्स कैसा देना चाहिए, टैक्स किसके लिए दे रहे, सरकार किसकी है, ये राज्य किसका है,
तो ये सारी चीजें उनसे सीखनी चाहिए। आप जो है जो सीखा है उनको दे करके कर रहे हैं, ये सारे बिजनेस का टेक्निक है। आपको ऐसा हावी कर दिया, ऐसा आपको उनको वश में कर दिया कि जो टीवी में, जो सिनेमा में, जो बाहर दिखाई पड़े, जो विदेशियों का पहनने का जैसा दिखाते हैं वैसा ही आप पहन रहे हैं, तो वैसा ही आप जीना चाहते हैं, वैसा ही आप खाना चाहते हैं। हमें यहां स्पून से खाना किसने सिखाया? स्पून से खाना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो शैली देखिए। अभी हाथ से खाना नहीं आया, किंतु हमारा आयुर्वेद कहता है स्पून से खाने से टेस्ट नहीं होता है, ये आपको पता नहीं है। स्पून से खाने से टेस्ट कैसे नहीं होता है कि जो वस्तु तो आप खा रहे हैं उसका टेस्ट ग्रहण करने का जो इंद्रिय, रसनेन्द्रिय है, हमारे जिह्वा के एकदम बाहर इधर है, जिह्वा के बाहर के तरफ, अंदर नहीं है। जब आप स्पून से कुछ चीज डालेंगे अंदर, वो अंदर चले जाती है। ये टेस्ट जिसका ग्रहण करना है, वो टेस्ट मतलब खाना आपके मुंह में पहुंच के वो जो पानी के साथ, मुंह के जो पानी है उसके साथ, जिह्वा के साथ खाना को जब पहले टच करता है उस समय वो टेस्ट का मैक्सिमम अनुभव होता है, और वो हम नहीं कर पाते स्पून से डालने के बाद, चबाने के बाद होता है। अच्छी चीज है, आपको सुविधा हो कर रहे हैं, किंतु शास्त्र ऐसा कहता है कि जो चीज खाने, हाथ से खाना चाहिए हाथ से खाना चाहिए। और आयुर्वेद में ऐसा स्पून से खाने के लिए लिखा है, कुछ कुछ चीजें स्पून से खाना चाहिए क्योंकि वो सीधा अंदर जाना चाहिए, बच्चों को स्पून से खिलाने के लिए लिखा है, ऐसा है। अब ये हम नहीं जानते हैं, और वो क्या है, कारण क्या बताते हैं कि स्पून से खाने से जो हाथ में जो बैक्टीरिया रहता है, हमको भी स्कूल में यही सिखाया, जो बैक्टीरिया रहता है वो आपके पेट में नहीं जाएगा, हाथ आप का नहीं लगे, हाथ नहीं लगना चाहिए खाना में, और हाथ नहीं लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हाथ में खराब रहता है, लेकिन हमारा हाथ विदेशियों के हाथ जैसे गंदा नहीं होता है, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमारे अभी दिनचर्या आपने देखा ना, एक एक सौदा आदि कर्म करने के बाद कितने बार साबुन से, क्या अभी साबुन समझ लो मिट्टी से, इससे सब साफ करना पड़ता है, वो हाथ गंदा गंदा होने का कोई सवाल ही नहीं है, वो शरीर में गलत जगह नहीं पकड़ेगा, गलत चीज को नहीं हाथ लगाएगा, वो बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा, दाएं हाथ हमेशा शुद्ध होता है। और खाने के पहले तो हाथ धोना ही है, खाने के बाद भी हाथ पैर धोना है, केवल हाथ नहीं, ये तो हाथ धोने की बात करते हैं, हम तो हाथ पैर मुंह सारे धोते हैं, तो कहाँ अशुद्धता है, और किसने ये समझाया कि वो उनका करने से ही होता है। और स्पून कहाँ शुद्ध होता है, स्पून को साबुन लगा करके आप रखते हो और उसमें धूल लगते हैं, फिर आप कपड़े से पहुंचते हो, वो कपड़ा भी गंदा होता है, वो रखा हुआ उतने समय धूल भी गंदा होता है, फिर वो स्पून से खाते हो, बोलते शुद्ध हो गए। हमारे यहाँ नियम रखा, जब तक खाने का जो पात्र है ये है, पानी से शुद्ध नहीं करेगा नहीं होता है। तो अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, आपने अंधाधुंध उनको मान लिया क्योंकि आपके स्कूल में ये नहीं सिखाया ना, हमारे शवजादी नियम नहीं सिखाया है, सिखाया उनके शवजादी नियम सिखाया क्योंकि उन्होंने 50 60 साल 17 साल पहले सिखा के गया है, वो सारे यहां पढ़ के बैठे हुए हैं, वो ये आपको किताब बना के सिखा रहा है। तो ये बहुत राजनीति हो जाएगी, मैंने इसलिए कहा कि अब ये हमारा काम नहीं था, हाँ तो आप लोग यहाँ करने के लिए कहा तभी हम कर रहे हैं कि हमारे विषय पर जो भी संक्षिप्त समय है उसमें प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए भारतीयता को अपनाने के प्रयास करें, क्योंकि भारतीयता वैदिक धर्म हमारे ब्लड में है, उसका आदि से अंत तक हम सहज रूप से जा सकते हैं, हमारा जीवन शैली ऐसा बनाया हुआ है, और आप बुद्धिमान हैं तो उनसे गुणों को ले लीजिए, और गुणों को तो आपने लिया नहीं, उनके नगरों की सफाई है आपने लिया क्या, आप कचरा बाहर डाल देते हो, वो वहां जाके देखना, कहीं कचरा ऐसा बाहर डालेगा वो दूसरे दिन जेल में होगा, तो वो नहीं सीखना है हमको, वो नहीं सीखना है, खाली बोर्ड रखने से यहां कचरा नहीं डालना, ऐसा रखा हुआ होता है, और वहां जाके देखना वहां कचरा पड़ा होता है, पार्किंग नहीं करना वहां पार्किंग होता है, ये हम उनसे नहीं सीखते, ये कोई भी स्कूल में
नहीं सिखा रहा, स्कूल में सिखाने पर भी वो हम कर रहे, यहां शौच नहीं करना वहां शौच कर। अभी देखिए कि कौन अच्छा है, वो अच्छे है कि आप अच्छे हैं? वो देखिए वो अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के शैली अपनाते हुए समाज को और सबको रक्षा करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए अपना अपनाया। आप तो वो नहीं अपनाया। और अभी क्या हो रहा है, वो इधर से उधर से इधर आ रहे हैं। उनको ये समझ में आया कि ये संस्कृति इतनी हजारों सालों से लगातार कैसे ये चल रही है, इसमें न कोई टूट न कोई फूट, इतने सारे लोगों ने दबाया सब कुछ किया तब भी ये चल रही है, इसका मतलब उसमें कुछ है। वो समझने के लिए वो इधर आ रहे हैं और आप इधर बैठ के टीवी दे करके उनको अपना रहे हैं। तो इसीलिए ये सब जो है हमारे पूरा जो है ये विद्यार्थी जीवन में सीखने की बात है, तो विद्यार्थी जीवन में सिखाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। यदि नहीं सिखा पा रहे हैं तो कम से कम आप घर में ये सब पढ़ के पढ़ा के चलाइए, जैसा भी है हमारा प्रारब्ध भाई से हो गया, अब जो भी बोले। तो बदलना हमको है, ठीक है। वेद का अध्ययन रात को नहीं तो वेद पाठ नहीं कारण चाहिए और वेदांत का अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्या इसका जब मतलब वेद का अध्ययन रात को नहीं करना चाहिए, इसलिए बोला कि शाम के समय, शाम के बाद में हमारी बुद्धि थक जाती है स्वाभाविक रूप से। मन सुबह से लेके काम करके शाम तक थक ही जाता है, कुछ भी आप काम करो तो थका हुआ मन से जो भी काम करते हैं वो पूरा अच्छा नहीं होता है। तो वेद को श्रवण करना या करने में बहुत सावधानी चाहिए, उच्चारण के लिए, उसका अर्थ चिंतन करने के लिए सब सावधानी चाहिए, इसीलिए रात के समय को अवॉइड किया है। केवल वेद का नहीं, व्याकरण में भी ऐसा लिखा है कि रात के समय व्याकरण सूत्रों को अध्ययन नहीं करना, ज्योतिष में भी लिखा है। तो ये सब में है, कोई कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। पुराण आदि आप पढ़ सकते हैं, ये जो कथा आदि है सामान्य रूप से कर सकता है, तो ये स्त्रोत्र आदि पढ़ सकता है, किंतु जो गहराई की विषय है वो रात को नहीं करने के लिए बहुत। और विशेष रूप से कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बताया जो जो सूक्त पढ़ सकता है, रात्रि सूक्त इत्यादि पढ़ सकता है। तो ठीक है, अब जो है यहाँ कुछ अनुरोध आया था कि थोड़ा सा वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का भी जो जो विभाजन है थोड़ा संक्षेप में बताने के लिए, इसलिए मैं कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे बताता हूँ कि गृहस्थ आश्रम में तृप्त होने के बाद उसको गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलिफलितम् आत्मनः, ये श्लोक कल बताया था। ये श्लोक मनुस्मृति का षष्ठ अध्याय का दूसरा श्लोक है। तो ये वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। वानप्रस्थ में जाने के लिए हमने कल कहा कि आप घर छोड़ के जाना चाहिए। अब घर छोड़ के जाने में कई लोगों को परेशानी है, अभी अभ्यास नहीं हुआ, सोचते ही डर लगता है, ये सब हमको पता है। अभी इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए पहले साल में एक महीना घर से दूर रख के अभ्यास करें, साल में एक महीना। कई लोग कर रहे हैं, हमारे भी कई परिचित है, वो करते हैं, अभ्यास करते हैं। और उसके बाद फिर वो दो महीना करिए, फिर उसको बड़ा बड़ा करके छः महीना करिए। तो इस प्रकार से आप बढ़ाते जाइए तो आराम से आपका छूट जाएगा और घर में भी कुछ पता नहीं चलेगा। और यदि आपको वो भी नहीं होता है, बच्चे को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हो पाता है, तो घर में रहकर घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना है। सारे मतलब वहां ना कोई उपदेश देना है, ना कोई उपदेश सुनना है, ना किसी को कोई मार्गदर्शन करना है, किसी का हाँ नहीं बोलना है, किसी का ना नहीं बोलना, चुपचाप खाना खाना है और भजन करना है, हाँ ठीक है। बाकी जितने मनोरंजन के ये टीवी देखना, अखबार पढ़ना, जो जो आपका काम का नहीं है, क्योंकि अखबार में ऐसे ऐसे समाचार आते हैं आपको उसका कोई काम नहीं है अभी, तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा मत करिए, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसको खत्म करिए। और ब्रह्मचिंतन में, आत्मचिंतन में, साधन में जो जो अभी हमने बोला, महाभारत है, रामायण है, ये कथा पुस्तकें जो है हमारे पुराण की पुस्तकें, उनको पढ़िए। तो अपने जीवन इस प्रकार से पूरा मतलब दुख हो सुख हो आप बिल्कुल वहां नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अभ्यास करिए, यही एकमात्र रास्ता रहेगा। और बिल्कुल गुस्सा नहीं करना किसी समय, वृद्ध हो गया तो
बुढ़ा हो गया तो वृद्ध हो गया तो क्या मंद मंद गुस्सा कर सकता, ऐसा नहीं। गुस्सा बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। अभी आप गुस्सा करेंगे तो उस गुस्सा का अच्छा असर नहीं बुरा असर होगा, जो आदर है वो भी कम हो जाए, क्योंकि आपका गुस्से का अभी कोई अर्थ नहीं रहा। तो केवल आप अपने साधन में रहिए, ये हो सकता है। तो वानप्रस्थ का भी चार भेद आश्रम उपनिषद में बताया है, इसका नाम लेते हैं। वानप्रस्थ चार प्रकार का होता है, एक तो वैखानस, एक वानप्रस्थ का वर्ग है। वो क्या करते हैं, खेती के बिना जंगल में जाके घर से गांव से दूर में पंच यज्ञों को करके अपना जीवन चलाता है। पंच यज्ञ जो पंच महायज्ञ बोले उनको करके, जो संध्या वंदन है इत्यादि करके उनका जीवन चलाता है, भिक्षान्न लेता है, खेती आदि नहीं करता है, ऐसा करके जीवन चलाता है, उनका नाम है वैखानस। और दूसरा है औदुम्बराह, औदुम्बर ये वानप्रस्थ का नाम है। वो क्या करते हैं, जहां जहां से भी इधर उधर घूम करके कुछ फल मूल आदि जो प्राप्त होता है, फल मूल सब्जी आदि जो प्राप्त होता है उसको लाते हैं, और उसके साथ जो भी मतलब पूजा पाठ करना है तब करना है, जो अग्नि का पूजन कर सकते हैं हवन कर सकते हैं उसको करके अपना साधन चलाते हैं, मतलब फल मूल आदि सब्जी आदि खाने वाले। अब ये सारे देखिए, जो घर में आप कर रहे हैं तो उसका छोड़ने की रास्ता है, छोड़ने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास किए बिना छोड़ नहीं सकेंगे, अभ्यास करने पर हो जाता है। और बालक हिल्य करते हैं, बालक हिल्य का अर्थ जो जड़ा आदि धारण करके केवल कंद मूल भक्षण करके भजन करते हैं, बहुत कठिन तपस्या होते हैं, इनको बालक हिल्य कहते हैं। और जो अंतिम में आता है, बहुत कठिन तपस्या करने वाले होते हैं, ये फेनपाहा उनका नाम है। फेनपाहा, फेनप माने पत्ता ही खाते, केवल वृक्ष के लता आदि के जो पत्ता खाने लायक है उन पत्ता उनको खा करके बहुत जीवन चलाते, बहुत कठिन तपस्या, और एक स्थान में नहीं रहते और यथासंभव विचरण करते रहते। तो ये बिल्कुल सन्यासी की तरह होते हैं। और इनमें फिर एक और प्रश्न है कि यदि दोनों साथ में नहीं जाना चाहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ में वानप्रस्थ में जाना सबसे उत्तम है, यदि किसी हालत में एक ही जाना चाहते दूसरा नहीं जाना चाहते, स्वास्थ्य के कारण या कुछ विशेष कारण हो, तब तो वो जो नहीं जा रहा है उसको पुत्र को सौंप करके जाने के लिए कहा, वो घर में रह सकता है, जो जा सकता है वो जाए, क्योंकि गृहस्थ में ही सारा कर्म एक साथ करने का नियम लागू होता है, वानप्रस्थ से लेकर के आप अलग हो सकते हैं, इसलिए वहां से अलग हो। और संन्यास आश्रम का भी नियम है, उसमें पहले संन्यास आश्रम का ये लक्षण कहा कि संन्यास आश्रम 10 लक्षण वाला होता है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौजम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। संन्यास धर्म का ये लक्षण है कि एक तो निश्चय होना चाहिए धृति ही, और दूसरा क्षमा, क्षमाशीलम तपस्विना, और दम इंद्रिय दमन, और चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना मतलब जो अपना नहीं है दूसरे का है, ऐसा जिसके जिस वस्तु के बारे में आपको पक्का पता है उस आदमी के जानकारी के बिना उसमें स्पर्श भी नहीं करना, तो अनावश्यक परिग्रह नहीं करना। और शौजादि नियम जो पहले से कहा गया है उसका 4 गुना बढ़ेगा, इंद्रिय निग्रह ये भी है, और बुद्धि ज्ञान सत्य अक्रोध ये जो है 10 संन्यास आश्रम में पालन करने के लिए कहा। अब ये संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसमें एक नियम ये है, ये जो नमस्कार करने के बारे में, ये 4 आश्रम है ना, 4 आश्रम में जो उत्तर उत्तर आश्रम है उसको पीछे पीछे जो आश्रम है वो नमस्कार कर सकते, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है ब्रह्मचारी को अन्य 3 आश्रम वाला नमस्कार नहीं करना चाहिए, वो नहीं जानते। कई बार हमने कई लोगों को बोला उनको समझ में नहीं आता है, वो साधु है दे करके गेरू वस्त्र दे करके नमस्कार करते हैं,
किंतु गृहस्थ जो है ब्रह्मचारी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी से वो उत्तम आश्रम है, आगे का आश्रम है, तो ब्रह्मचारी को कोई नमस्कार नहीं करेगा, ब्रह्मचारी तीनों आश्रम को नमस्कार करेगा। और गृहस्थ होगा तो वानप्रस्थी और सन्यासी को नमस्कार करेगा, और वानप्रस्थी होगा तो केवल सन्यासी को नमस्कार करेगा, बाकी किसी को नमस्कार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से सन्यासी ही उस दृष्टि से सभी आश्रम का नमस्कार योग्य बनता है, ये नियम है। क्योंकि अभी क्या है, गृहस्थाश्रम की जो महिमा है उसको लोग न जानते हैं, और जहां जहां भी सुनते हैं कि गृहस्थाश्रम में ये है वो है, काम क्रोध लोभ सारे उनके जो कमियां ही सुनाते हैं, तो इसीलिए गृहस्थाश्रम में बैठने वाले को कभी कभी ये भाव भी हो जाता है कि हम दूसरे से हीन है, हम जो फंसे हुए हैं, लोग बोलते हैं हम संसार बंधन में फंसे हुए हैं। आप फंसा हुआ है, माना है तो फंसा है, लेकिन आपको फंसने के लिए वेद ने नहीं कहा है। आप फंसा हुआ मानेंगे तो आप पूरा समाज को फंसाएंगे, इसीलिए आपको फंसा हुआ नहीं मानना है कि हमारा कुछ कर्तव्य पालन करने के लिए ये अवसर भगवान ने दिया है, इनका हमको पालन करना है, ठीक ढंग से पालन करना है, बच्चों को ठीक से पढ़ाना है और अच्छे नागरिक बनाना है, आगे बढ़ाना है, और जो साधन हम कर सकते हैं उनको पूरा करने का। तो आप कोई छोटे नहीं है, पहले बताया जैसे वायु को आश्रय लेकर के सारे रहते वैसा है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी करके किसी को पता है तो आप उनको नमस्कार नहीं करें। यहाँ कुछ ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं वो अभी सोच नाराज हो जाएंगे, लेकिन सत्य ये है। और ब्रह्मचारी का नियम में ये है कि उनका कोई भी पद नमस्कार करने आए तो मना करना है, नहीं कर सकते। अब कोई जबरदस्ती करते हैं तो वो भी क्या कर सकते, किंतु करना ऐसा चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी का नियम में ये नहीं है। तो ये 10 लक्षण से सन्यास में है, और वहां सन्यास का पूरा कर्तव्य क्या है, वो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजन्ति अभयम् गृहात्, सबका अभय दान देना सन्यासी का परम कर्तव्य होता है। और जो जहां भी कोई निंदा होते हैं स्तुति होते हैं इसको बराबर समझना चाहिए। यदि शरीर की निंदा होते हैं तो समझना ये शरीर की निंदा हो गई, हमारा क्या बिगड़ना, आत्मानम यदि निंदन दी स्वयं वही शरीरम यदि निंदन दी सहायास्ते जनामम, ये तो हमारे मदद करने वाले हो गए, क्योंकि ये शरीर की निंदा तो हम भी करते हैं, तो इस भाव से आप उनके पूरा सहन कर सकते हैं, ये आत्मभाव आपको रखना चाहिए। तो ऐसा सन्यासी जो हुए हैं उनका भी विभाजन किया है आश्रमोपनिषद और नारद परिव्राजक उपनिषद जाबाल उपनिषद, इन उपनिषदों में आपकी ये आश्रम व्यवस्था की सारी बातें मिलेगी। इसमें सन्यासी का विभाजन ऐसा है, पहले तो दो विभाजन है, एक तो विद्वत सन्यासी और विविदिशा सन्यासी। विद्वत सन्यासी का अर्थ होता है पहले ज्ञान हो गया उनको साधन अनुष्ठान करके, जैसा वानप्रस्थ आश्रम में या किसी भी आश्रम में रह के ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो लिंग सन्यास लेता है। लिंग सन्यास मतलब सन्यास लक्षण धारण करता है, गैर वस्त्र पहनेगा, जो जो आचरण करना है वो करेगा, वो कोई करता है कोई नहीं करता है, गैर वस्त्र आदि लिंग धारण नहीं करने पर भी उनको सन्यासी के तौर पर ही माना जाता है ज्ञानी होने के बाद, इनको कहते हैं विद्वत सन्यासी। और विविदिशा सन्यासी सामान्य रूप से जो सन्यासी अभी है वो सारे विविदिशा सन्यासी है, ज्ञान के लिए वो विविदिशा सन्यास लेते हैं। तो ये सन्यासी का ये चार नहीं ज्यादा विभाग है इनका, तो नारद परिव्राजक के अनुसार इसको सामान्य रूप से बताता हूं। एक तो कुटीचक है, कुटीचक सन्यासी। कुटीचक सन्यासी क्या होता है कि वो वृद्ध हो गया, सन्यास ले लिया, अपने गांव के पास में कोई जंगल है श्मशान है ऐसे स्थान में कुटिया बना करके वहीं रहते, सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया किंतु उधर बाजू में ही रह रहा है, और उसके जो परिवार घर और आसपास में जो भाई बंधु है उनसे उनको एक समय का भिक्षा दे देते हैं, वो खा करके वहां रहते, ऐसे सन्यासी को कुटीचक सन्यासी करते। ये बहुत लोग कर सकता है, कुटीचक सन्यास बहुत आसान है, वहीं रहना है जो कुछ करना है गांव में रह सकते हैं। और बहुतक सन्यासी होता है, वो सन्यास लेने के बाद जे पक्षियों के जैसे अलग अलग जगह पे घूमते ही रहते, यात्रा ही करते रहे, परिव्रजन करते ही रहते हैं, तो बहुत जल पीता है, अनेक उदक पीने के कारण उनका नाम
बहुतक है, तो पर्यटन परिवर्तन करता रहता है। और हंस सन्यासी का है, अभी भी है ये हंस सन्यासी। ये हंस सन्यासी में व्रतादि अनुष्ठान का नियम है, और हंस सन्यासी दंड कमंडलों का धारण करते हैं और दंड आदि के पूजन और उसके अनुसार का सूर्य अर्घ्य आदि से लेकर के संध्या वंदन आदि करते हैं, जो दंडधारी सन्यासी आप देखे होंगे। दंडधारी में भी हंस भी है, परमहंस भी है, दोनों तरह के हैं। वो पूजा में उनके कर्म में अंतर होता है। और परमहंस जो सन्यासी है उनके लिए कहा कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, वो दंड आदि नहीं रखते हैं, क्योंकि दंड आदि का कर्म भी वो छोड़ देते हैं, सन्यास लेते समय ही दंड त्याग देते हैं। और वो उनका नियम यह है केवल पांच घर से जो भिक्षा मिले वो लेना। पांच घर से मतलब पांचों घर में जाके सब कुछ लेना ऐसा नहीं है। एक घर में नहीं मिला दूसरे घर में, दूसरे घर में नहीं मिला तीसरे घर में, तीसरे से चौदह में, चौदह से पांच में, से पांच में भी नहीं मिला तो उस दिन भूखा रहना है, पानी पी करके उपवास करना है। पांच से ज्यादा घर में भिक्षा लेने नहीं जाना है। तो एक में मिल गया तो फिर उसी से ही तृप्त हो सकते हैं। ये उनका नियम है, बहुत सारे कठिन नियम है उनका, तो वो परमहंस सन्यासी है। और एक होते हैं तुरियातीत सन्यासी। तुरियातीत सन्यासी फलाहारी होते हैं, और वो सांबर भी दिगंबर भी दोनों होता है। कभी कपड़ा पहनते हैं कभी कपड़ा नहीं पहनते। तो कपड़ा पहनना का कोई नियम नहीं है, कोई लिंग धारण करने का नियम नहीं है। बाकी को लिंग धारण करना चाहिए, गेरू कपड़ा पहनना है, ये रुद्राक्ष आदि पहनना है, विभूति भस्म आदि लगाना है, शरीर में पूरा लगाने का विधान है, तो कम से कम शरीर में लगाना है, बाकी भिक्षा आदि नियमों का पालन करना है। तुरी आदि को ऐसा नहीं है, फलाहार करके अपना विचरण करें। उसके बाद अवधूत सन्यासी, ये आपने सुना होगा अवधूत का नाम, और आज विशेष करके दत्ता अवधूत की जयंती है, तो दत्तात्रेय भगवान की आज जयंती है, तो अवधूत सन्यासी में आते हैं। वो अवधूत में कोई भी नियम विधान नहीं है, किंतु अवधूत का कुछ लक्षण है। जब आप सुनेंगे कोई नियम विधान नहीं है, अचानक उसको पकड़ लेते तो बहुत अच्छा है, कोई नियम विधान नहीं है। आजकल जिनको नियम विधान करना चाहिए वो भी अवधूत मान लेते हैं अपने को, आगे अवधूत लिख देते हैं, फिर कोई नियम नहीं करना है, जो भी कर सकता है ऐसा मान लेते हैं। किंतु अवधूत का लक्षण कहा है, आशा पाश विनिर्मुक्त आदि मध्यांत वर्जित आनंदे वर्तते नित्यम अकारस्तस्य लक्षणम अवधूत। इसमें जो चार अक्षर है इसको लेके लक्षण कहा है, अवधूत गीता में ये लक्षण है। आदि मध्य आशा पाश विनिर्मुक्त आदि मध्यांत वर्जित, तो आशा पाश आदि से मुक्त हो गया, आदि मध्यांत उसका कुछ है ही नहीं, ऐसा अवधूत का पहले लक्षण हो गया। दूसरा है वासना वर्जिता येन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमानेषु वर्तेद वकारस्तस्य लक्षण। वासनाओं को त्याग दिया, देखो नियम त्याग दिया बोले ना, उनके पास कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है। वासना वर्जिता येन वक्तव्यम च निरामयम, कोई वक्तव्य प्रवचन आदि करना भी नहीं है, बोलना मन आ गया तो बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे। वासना वर्जिदायेन वक्तव्यं च निरामयं वर्तमानेषु वर्तेद यदृच्छा लाभ संतुष्ट, वर्तमान में जो प्राप्त होता है उससे काम चलाते, अपने पास कोई इकट्ठा करके नहीं रखते। ये उसका वकार का लक्षण है, अवधूत का वकार का। और धू का लक्षण है धूलि धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामयः धारणा ध्यान दुर्मुक्त धूकारस तस्य लक्षण। उसके शरीर में धूल लगा होगा, वो कोई कभी स्नान करेगा कभी नहीं करेगा, कभी वस्त्र पहनेगा कभी नहीं पहनेगा, तो वो उससे बाहर होता है। धूलि दूसरा गात्राणी धूत चित्त, किंतु चित्त में कोई कलंग नहीं है, वस्त्र तो गंदा भले ही हो किंतु चित्त उनका बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, शुद्ध है। तो धारणा ध्यान निर्मुक्त, धारणा ध्यान आदि कोई विशेष साधन कुछ नहीं करता, वो तो ब्रह्ममय होकर के ब्रह्म में ही विचरण करता है। और आगे कह रहे तकार का लक्षण में तत्व चिंता दृढ़ायेन चिंता चेष्टा विवर्जित तमोहंकार निर्मुक्त तकार तस्य लक्षण। तो तत्व चिंता दृढ़ायेन तत्वमसि आदि वाक्य का जो अर्थ है वो उनको हो गया है, वो धारण कर लिया उन्होंने। तत्व चिंता हृदय हृदय ना तमोहंकार निर्मुक्त,
तमो अहंकार आदि कुछ भी नहीं है। तो यदि ऐसा है तो वो अवधूत है। तो उस प्रकार के अवधूत का कोई नियम शास्त्र ने विधान नहीं किया, उस स्थिति में वो जा सकता है। इसलिए हम कोई अवधूत नहीं है। अभी बनने के लिए बहुत कुछ हमारे पास करना पड़ेगा, वो करने के बाद बन जाएगा तो अवधूत अपने आप बनता है, किसी को बनाना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से सात सन्यासियों का लक्षण कहा है। इसमें से अभी एक दो बातें विशेष बोल के फिर हम आगे जो शेष समय है उसमें षोडश संस्कार में जाएंगे। इसमें जो सन्यासी का भिक्षा आदि नियम तो बताया है, किंतु विविधिषु सन्यासी होने से, जो विविधिषु सन्यासी कहा, जो हम लोग सब विविधिषु सन्यासी है, उनका कुछ विशेष नियम में ये कहा है कि जबे द्वादश सहस्रम प्रणवस्य प्रयत्नतः सहस्रम श्रवणार्थी तु योगाभ्यासी शतम जवेत यावत् जीवे जवेद मंत्रम प्रणवम ब्रह्मणो वपुः जबे द्वादश सहस्रम प्रणवस्य प्रयत्नतः। विदुषा सन्यासी के लिए 12,000 प्रणव मंत्र का जप प्रतिदिन करने के लिए कहा, क्योंकि 12,000 प्रतिदिन करेंगे तभी जाके जो आप साधन कर रहे हैं, जो आप अन्न खा रहे हैं, जहां आप जो जो आपको मिल रहा है उसका सब फल का नाश हो। तो 12,000 का जब ओंकार का जब ओंकार के ही दीक्षा देते हैं तो वही जब करना है, उसमें विधान जैसा सन्यास दीक्षा में है वैसा मानना है। किंतु आपने इसका जब आदि नियम पालन नहीं किया, विदुषा सन्यासी है, श्रवण भी नहीं करता है, वेदांत श्रवण भी नहीं करता है और कर्म भी त्याग दिया, अब जो है अपने जो भी सुख सुविधा मिल रहा है उससे काम चला रहे हैं, तो आपको पाप लगेगा, ऐसा बोला कि नित्यम कर्म परित्यज्य वेदांत श्रवणम विना वर्तमानस्तु सन्यासी पदत्येव न संशयः। वो पदन में जाएगा, इसलिए सन्यासियों को साधुओं को सब इस प्रकार सावधान होना चाहिए। जीवन मुक्ति विवेक में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है और कुछ नियमों में आप ये जानते हैं कि शरीर को बहुत संभाल के चलना है, मतलब शरीर में जहां तक रोग ना हो इस प्रकार के आचरण विचरण करना है और शरीर की मेदो वृद्धि मतलब मोटापा को रोकना चाहिए कि सन्यासी होकर के शरीर मोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में ही कहा है। हाँ, बाकी लोग भी अभी कोशिश करते हैं तो। और दूसरा नियम ये बताया है कि ज्ञात चर देशम न चरे, जहां पहले से परिचित लोग रहते हैं वहीं जाकर के भिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। दो चार बार गया, ज्यादा परिचित हो गया, आपको मान सम्मान लगने लगा तो वो देश बाद में छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा है। हाँ? और बाकी स्वदेश में तो जाना ही नहीं चाहिए। यदि जाना चाहते हैं किसी मतलब वजह से आप घूम फिर के वहां पहुंचता है तो 12 साल के बाद स्वदेश में स्वगांव में जा सकता है, किंतु रात में नहीं रुकना चाहिए, दिन में वहां जाके भिक्षा ग्रहण करके वहां से निकल सकते हैं। किंतु अंतिम में इसके विषय में एक बात बोलना चाहता हूं। अब ये 12,000 जब की बात कहें, किंतु हमारे आचार्यों ने शिष्ट परंपरा में और कुछ जपों को भी जोड़ा है, जिसके विषय में यदि धर्म संग्रह नाम के ग्रंथ और परमहंस मीमांसा नाम के ग्रंथ है उसमें कुछ विधान किया है जो हम लोग आचरण करते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे तो और बाकी छोड़ दिया इससे लगेगा। उसमें यह कहा है, स्वशाखा उपनिषद गीताम नाम सहस्रकम ततः श्री रुद्रम चमकम चैव पौरुषम सूक्तमेव च वैयासिकं च शारीर ब्रह्मसूत्रं विशेषतः पञ्जीकरणमप्यत्र सुरेशर आचार्यवार्तिकं शारीरिकं महावाक्यं तद्भाष्यं शंकरं पुनः शांतिं पठेत् नित्यमेव भाष्यं आवर्तयेत् यदि। ये हमने बहुत ढूंढ करके ये प्रमाण निकाला है। हाँ, क्योंकि कई लोग ये प्रश्न करते थे कि जो है संन्यास में सब कुछ त्यागा जाता है, फिर ये क्यों कर रहा है, पूजा क्यों कर रहा है, ये पाठ क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे पूछते थे। तो बहुत समय हमने खोजा इसको शास्त्रों में, इसके बाद इसी ग्रंथ में इसका मिला, सारा कुछ उसमें बताया है। इसी नियम के अनुसार हमारे आश्रमों में नियम बनाया है। एक तो शोशाघा उपनिषद पढ़ना चाहिए,
जो अपनी शाखा के उपनिषद है, जो संन्यास लेते हैं उनको मालूम है अपनी शाखा के जो जो उपनिषद है उसको पढ़ना चाहिए, और गीता का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, ये हमें पहले कहा है, वो सबके लिए लागू है। नाम सहस्रम, विष्णु नाम सहस्र, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु हमारे संन्यास परंपरा का परमाचार्य, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम से शुरू होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए। और श्री रुद्रम चमक, ये भी पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, और वैयासिकम च व्यास जी के द्वारा रचित शारीरिक ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना चाहिए, और विशेषतः उसको करने के लिए कहा। पंचीकरण नाम के ग्रंथ है, ये शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है, उसमें सुरेश आचार्य का वार्तिक है, कई आश्रमों में इसका पाठ होता है पंचीकरण ग्रंथ। और शारीरिक महावाक्य, जो महावाक्य का विधान है, महावाक्य संबंधी विधान है, उसको करना चाहिए, और शंकर भाष्य को बार बार आवृत्ति करना चाहिए, और दश शांति मंत्रों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। सब कुछ आ गया ना, तो इसमें हमारे भाष्य में आवर्तयेत, यदि ही ये भाष्य के आवर्तन के लिए भी इसमें प्रमाण मिल गया, तो ये करना है, इस प्रकार से उनका अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर आगे हम शेष समय में षोडश संस्कार के बारे में विचार करेंगे। अब आश्रम संबंधी विचार का बहुत विस्तार है, कि मैं जानता हूं कि संक्षेप में ही, बहुत संक्षेप में ही बोला कि मैं तृप्त नहीं हूं जैसा बोला है, जैसे समझाया है, बहुत कुछ उसमें छोड़ दिया है, वो कोई समय के अभाव में, क्योंकि इस सामान्य समझने से आपका अभी मन में आया है कि ये सब है, तो अब आप अपने आप ढूंढ करके समझ सकते हैं कि छोड़ा से संस्कार और एक महत्वपूर्ण संस्कार है। ये जैसा फैक्ट्री में वस्तु को तैयार करते हैं ना, आपके जो कोई भी वस्तु फैक्ट्री में बनाते हैं, तो जैसे गाड़ियां बनाते हैं या कोई मोबाइल आदि बनाते हैं, सब फैक्ट्री में बनती है। इसी प्रकार जो हमारे मनुष्य जीवन है, इसको कैसे बना के तैयार करके संस्कारित करके अंत तक पहुंचाना चाहिए, वो विवरण है ये षोडश संस्कार, गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक ये चलेगा। तो संस्कारो नाम सभवति यस्मिन् जायते पदार्थो योग्यः, कि संस्कार उसको कहते हैं जिसमें पदार्थ को तैयार किया जाता है, यहां तैयार करने का संस्कार है। दूसरा एक संस्कार होता है कि आप विषय को देख करके वासना करके उस संस्कार को करते हैं, वो संस्कार नहीं, यहां संस्कार मतलब तैयार करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, एक कुछ वस्तु को तैयार करना। और इसमें सभी संस्कार में आप देखेंगे अग्नि के साक्षी रख करके संस्कार होता है, अग्नि साक्ष्य संस्कार होता है, इसीलिए अग्नि का एक नाम है जादवेदा, जादानी वेत्ति इति जादवेदा। आजकल जन्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है ना, बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है, वो हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है, ऐसा हमारे यहां क्या रजिस्ट्रेशन था, वो अग्नि ही वो रजिस्टर कर देते, इसीलिए अग्नि के पास वो हिसाब किताब होता था, इसीलिए जाद व्यक्ति को जानने वाला अग्नि ही होते। तो अग्नि सबको जानते हैं कितने जन्म लिया, क्योंकि वो जब जन्म लेगा तभी भी अग्नि का आधान करके वहां क्रिया होती है, और जब मरेगा तभी अग्नि वहां रहती है, तो उसको पता है कि ये जन्म लिया है, अब ये मर गया है, तो वो मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी वहां होता है और जन्म का भी होता है, इसलिए उनका नाम जादवेद ऐसा रखा है। तो ये संस्कार 16 है, पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान, दूसरे का नाम है पुंसवन और सीमंत उन्नयनम, जादकर्मा नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेद उपनयनम और वेदारंभ, और 12वां संस्कार है केशांत, 13वां संस्कार समावर्तन और विवाह है 14वां संस्कार, 15वां संस्कार अग्नि आधान और 16वां संस्कार अंत्येष्ट। इसमें पूरा जीवन हमारा समाप्त हो गया। तो ये संस्कारों के द्वारा
जो व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं कि वो बीज में ही शुरू हो रहा है, जन्म के बाद नहीं। बच्चा बाहर आने के बाद तो आप करते हैं, किंतु ये गर्भाधान से लेकर के ही संस्कार डालना शुरू करते हैं, तभी से लेकर के उनको सिखाया जा रहा है। पहले ये मानते थे, साइंस में भी जो लोग मानते थे, कि बच्चा जन्म होने के बाद ही उसकी बुद्धि आती है, काम करता है, समझ आता है, सब कुछ मानते हैं लोग भी ऐसे मानते थे। किंतु वेद में ये है कि गर्भाधान से लेके तीसरे चौथे महीने से, अभी आप देखेंगे कैसा कैसा वो संस्कारित कर रहे हैं, तो उधर से शुरू होता है। और पहला संस्कार आता है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आप फल को प्राप्त करेंगे, यह हम सब लोग जानते हैं। तो ये बीज का आधान करना, गर्भ का आधान करना, पंचाग्नि विद्या के नियम के अनुसार एक हवन क्रिया का समान है। और प्रश्नोपनिषद में इसको प्राजापत्य कर्म के समान का, प्राजापत्य एक बड़ा यज्ञ होता है, याग होता है, उस कर्म के समान है। तो पुरुष रूप अग्नि, पुरुष के शरीर में जो अग्नि है, वो स्त्री शरीर में उसको आधान करते हैं, इसको कहते हैं गर्भाधान। और गर्भाधान का एक सामान्य बात यह है कि माता पिता दोनों का जो भाव और दोनों के मनोस्थिति और जिस वातावरण में गर्भाधान हो रहा है उसके आजू बाजू का वातावरण और उसके आगे पीछे का उनका ज्ञान, ये सारे कुछ यहाँ असर करता है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। और गर्भाधान कैसे कब करना चाहिए, सारे नियम काल आदि सब स्पष्ट रूप से बताया है, क्योंकि वो सबसे बड़ा शुभ कर्म है। बाकी शुभ कर्म सब बाद में हम करते हैं, किंतु ये जो है स्वरूपतः बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस काल में किस समय करना चाहिए, कौन से दिन को छोड़ना चाहिए, ये सब कहा है। आप मनुस्मृति में इसमें देख सकते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में देख सकते हैं, और हमारे बृहदारण्यक उपनिषद के षष्ठ अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण पूरा इसमें उपनिषद में, एक ही उपनिषद में ये विस्तार से आया, बृहदारण्यक उपनिषद में आप देख सकते हैं, दो तीन संस्कार तो उसी में ही बोल दिया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो गर्भाधान संस्कार के समय में जो मंत्र बोलते हैं उसको मैं बोलता हूँ, विष्णु योनिम कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु आसिंजतु प्रजापति धादा गर्भम दधातु ते स्वाहा, ये मंत्र बोल करके गर्भाधान होता है। विष्णु भगवान को आवाहन करते हैं और विष्णु भगवान ही ये शरीर में बच्चे के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा आवाहन करके वो मंत्र बोल करके ऐसा प्रार्थना करके गर्भाधान संस्कार करते हैं। यथेयम पृथ्वी मही भूतानां गर्भमादधे एवते ध्रियतां गर्भो अनुसूदं सविस्तहे स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र है वह, और वो मंत्र सब वहाँ कर्म में प्रयोग होता है। गर्भाधान शुभावसर में होने के बाद गर्भ का जो वीर्य चला गया गर्भ में, उसकी स्थिरता के लिए और उसमें और शक्ति का आवाहन करने के लिए पुंसवन नाम के कर्म होता है। ये गर्भाधान संस्कार के द्वितीय या तृतीय मास में होता है। तो पारस्कार गृह्य सूत्र, गृह्य सूत्र जितने भी है, आपको कई गृह्य सूत्रों का नाम मैंने बताया, ये गृह्य सूत्र जितने भी है सारे गृहस्थ संबंधी षोडश संस्कारों का आचरण का पूरा उसमें मंत्र सहित है, गृह्य सूत्र बनाया इसलिए, तो कोई इसका विस्तार देखना चाहते उसमें देख सकते। तो पुंसवन नाम के कर्म होता है वो गर्भ स्थिर होने के लिए। गर्भ हो गया मालूम हुआ, अभी वो स्थिर होना चाहिए, गर्भपात नहीं होना चाहिए, इसके लिए पुंसवन नाम के कर्म होता है। उसमें भी अग्नि का आधान करते हैं, पूरा पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद होता है। और उसके बाद सीमंत उन्नयन कहते हैं, ये पति पत्नी में दोनों में प्रेम दिखाने के लिए, अभी पत्नी तो गर्भधारण करके बैठी है, अब गर्भ का संरक्षण पूरा करना हम समझते हैं पत्नी का है, किंतु यहां वेद कहता है ऐसा नहीं। गर्भ का संरक्षण, गर्भ तो पत्नी के गर्भाशय में है, किंतु उसका संरक्षण का आधा दायित्व पुरुष को है। तो पुरुष को भी उसी के अनुसार जीवन चलाना चाहिए। कुछ नियम बताया पुरुषों को क्या नियम है, उसके अनुसार नियम चलाने के लिए कहा। क्यों है इसके लिए आजकल साइंस का कई पुस्तकें हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च करके
निकाला है वो कहते हैं कि ये जो माता पिता का व्यवहार होता है बच्चे के 2 महीना 3 महीने के बाद उसका पूरा असर बच्चे पर पड़ता है। और वो वातावरण जैसा वातावरण में आप आपस में झगड़ा करेंगे या ऐसी बातचीत करेंगे और ऐसा जो भाव से मादा खाना खाएगी और मादा के मन में कोई भी तरह की पीड़ा प्रेम भाव से अलग कोई पीड़ा भय आदि कुछ भी होता है उसका सारा असर बच्चे को डायरेक्ट पड़ता है। उसी से बच्चे का शरीर में बच्चे के मन में परिवर्तन आएगा। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि ये बाहर आकर के जो स्थिति में पहुंचने जा रहे हैं उसका पहले ही इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता है कि तुम जो के 10 महीने के बाद बाहर आओगे ना तुम्हारी मादा ऐसी होगी, तुम्हारे पिता ऐसा होगा, तुम ऐसा घर घर में जन्म लोगे और ऐसा तुमको खाना मिलेगा, ऐसा हवा पानी वहां है, ये सारे इंफॉर्मेशन पहले ही उसको मिल जाता है, पूरी व्यवस्था उसकी रखी है। ये बहुत बढ़िया शास्त्र है। हमने 2-3 डॉक्टरों को इसके विषय में बहुत जानकारी दी है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ग्रंथ बताया और बिल्कुल सक्सेस हुआ है कि उसका पूरा शास्त्र सही है। तो ये भाव रखने के लिए ये कर्म किया जाता है सीमंत उन्नयन, ये जो मादा के बाल को ऊपर करके बांधने का कुछ कर्म है, उसमें कुछ आहुति आदि दे करके वो मंत्र पढ़ के करते हैं। लेकिन पुरुष को क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। ये जो है जब 4 महीने के बाद केश नहीं काटना चाहिए पुरुष को, शेविंग नहीं करना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए जब तक अभी बच्चा नहीं जन्म देगा तब तक, ठीक है ना। स्वयं तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, घर में रहना है मतलब घर में रह के सेवा करना है, इधर उधर मैं तीर्थ यात्रा जाके पुण्य कमा के आता हूं नहीं जा सकते। और श्राद्ध आदि कोई कार्य हो उसके बाद में उसमें उनको भाग नहीं लेना है। और जो सम्मेलन है ऐसे जो उत्सव होता है ऐसे उत्सव में वो अकेला नहीं जाना चाहिए। 6 महीने की बात कर रहे हैं, मतलब 6 महीने तक आप नहीं कर सकते ये सब। और युद्ध में नहीं जा सकते हैं, ये तो पता है युद्ध में नहीं जाएंगे। और जो है बाकी जो शरीर में लेपन आदि करते जो सौंदर्यीकरण जो भी करता है ब्यूटी पार्लर में जाके जो भी करता है वो सब नहीं करना चाहिए, उनको पत्नी के साथ घर में ही रह के सेवा करना। दूसरा बात कहा वो बिस्तर में नहीं सोना चाहिए, वो नीचे वो चटाई डाल करके सोना चाहिए, मतलब तपस्वी जीवन अपनाना है। वो उसके बारे में चिंतन करना है कि हमारे बच्चा उधर है वो पल रहा है, ये चिंतन आप जो करेंगे उसके साथ बच्चे का परिवर्तन होगा, ये वो कह रहा है। आप सोचेंगे ये बाहर है मैं वो अंदर है, ऐसा नहीं है, आपके मन और मादा के मन दोनों मन को लेकर के ही बच्चा पलता है, ये शास्त्र बताता है। और फिर कहा समुद्र जल आदि में स्नान नहीं करना चाहिए, इसका क्या कारण है हमको अभी पता नहीं चला, किंतु लिखा ऐसा है कि समुद्र में जाके स्नान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो, ऐसे कुछ कारण से हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए पति को तो उस समय पत्नी के मन में बहुत पीड़ा होती है, तो वो जो है वरीस जो है पूरा बच्चे में इंफॉर्मेशन देगा और वो वरी में ही तैयार होकर के आएगा, ऐसा ना हो इसलिए ये सारे नियम रखा होगा। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेते हैं तो ज्यादा कर्म होता है, ज्यादा कर्म में भी इस प्रकार के कर्म है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलता हूँ, ज्यादा कर्म में जब बच्चा जन्म लेगा वो पिताजी ही वो ज्यादा कर्म को करते हैं, करने के बाद उसके कान में वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरद शतम यो ज्यायुषम जमदग्ने इत्यादि मंत्र बोल के उनको वेद नाम देता है। ये नाम को गुप्त नाम ऐसा कहा गया, ये नाम बाद में नहीं आएगा, मतलब किसी बच्चे को आप वेद ऐसा नाम व्यवहार में नहीं रख सकते, किंतु सभी बच्चे का पहला नाम पिताजी जो देता है वो वेद होता है। और वहां ये भी आगे मंत्र है, बृहदारण्यक उपनिषद में पूरा मंत्र दिया है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो तुम जन्म लिया है हमारे लिए नहीं, ये जन्म जो तुम लिया है सबके लिए है, तुम्हारी जो आयु तुम्हारी शक्ति सारे सबके लिए प्रवर्तित हो, ऐसा करके पिताजी की प्रार्थना भी वहां है, ये ज्यादा कर्म में है। और उसके बाद नामकरण होता है, नामकरण करने का समय कहा कि जन्म से 10वां महीना
अथवा एक साल में नामकरण होता है। ये नामकरण आजकल लोग जानते हैं, नामकरण करते हैं बच्चे का, तो नामकरण में एक विशेष रखना है। अभी देखिए, ये नाम को रिपीट करके वो नाम को अपना संस्कार बनाएगा, नाम हमेशा वो जीवन भर याद रहेगा। इसलिए नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वैदिक लौकिक सारे कर्म में ये नामकरण का, नाम का ही प्रयोग होता है। जब आप संध्या करते हैं आपका नाम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, आप जो संध्या करके जो जो फल आपको मिल रहा है उसका अपने आपके नाम से रजिस्टर हो रहा है हमारे चित्रगुप्त के किताब में, तो वो नाम से ही वहां रजिस्टर होगा, बाद में उसी के अनुसार फल मिलना है। आप सही नाम नहीं रखा तो बेचारे चित्रगुप्त ही परेशान हो जाएंगे, किसका कोई टाटो पुटो क्या क्या नाम रखते हैं, ग्रीन वो ये क्या नाम रखते हैं, वो परेशान हो जाएगा, ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आएगा उसको, आपको उनको तो लिखना पड़ेगा। इसीलिए नामकरण बहुत संभल के करना कि नाम का अर्थ सही होना चाहिए, और वो नाम का अर्थ जो है उसका स्मरण आने से उसके अच्छे संस्कार उत्पन्न होना चाहिए। कई बच्चों को ऐसा हमने देखा, उसको माता पिता के रखा हुआ नाम पसंद नहीं आया था। मैं बोलता हूं मुझे भी पसंद नहीं था कि वो ऐसा नाम रखे थे, तो इसीलिए वो ऐसा नाम ना रखे कि जो नाम रखे जिसका कोई अर्थ हो। उसके लिए कुछ नियम बताया है, एक तो देवताओं का नाम रखना है, नहीं तो मास महीने का नाम, जो हमारे हिंदी के जो मास है महीना उनका नाम, और नक्षत्रों का नाम, अथवा जो सत्कर्म किया सत्पुरुषों का नाम, अच्छे वस्तुओं का नाम, ये आप रख सकते हैं। बाकी जो आप अच्छा अर्थ वाले नाम कहते हैं वो रखना, किंतु ये ऐसे नाम नहीं रखना है। कौन से अक्षर से नाम शुरू करना है, कितना अक्षर ले सकते हैं, ये भी कुछ बताया है कि किन किन अक्षरों से नाम शुरू होना चाहिए, वो अच्छा रहेगा ऐसा। तो नाम जैसा भी रखेंगे सार्थक होना चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए वो नाम काम आता है। और माताओं के नाम में, मतलब बच्ची को जब नाम रखते हैं उसमें कहा दो अक्षर का भी नाम हो सकता है, तीन अक्षर का भी हो सकता है, किंतु वो आकार से युक्त होना चाहिए अंत में। ये हमारे व्याकरण के हिसाब से है, वो आठ अंत होना चाहिए, आ रमा सीता ऐसे आना चाहिए, अथवा ई वाले होना चाहिए, ई ईकार से युक्त होना चाहिए ऐसा कहा गया, क्योंकि ई का कामदेव का संबंध है और आ का विष्णु के साथ संबंध है, इसलिए लक्ष्मी और विष्णु और इस प्रकार से उसका रखा गया, ये नियम रखा है, इसमें भी सब सार्थक होना चाहिए। उसके बाद बच्चे को बाहर ले जाना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है आजकल जिसके बारे में लोग जानते नहीं। नामकरण के बाद में ही बच्चे को घर से बाहर ले जाते, उसका कारण यह है कि इस समय तक घर में जो वातावरण दे रहे हैं आप, माता पिता का जो जो संरक्षण हो रहा है वही बच्चे का डायरेक्टली संबंध होना चाहिए, बाहर का हवा इसको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसका असर उसके मन में पड़ेगा। आजकल तो कितने छोटे बच्चे को पालने के लिए बाहर दे देते, बहुत मुश्किल है। और ये शास्त्र में जहां अभी अब हमने कहा वहां ये कहा है कि उस बच्चे को माँ के गोदी में, माँ के छाती में बहुत समय तक संपर्क में रहना जरूरी है। वो बाहर आप जो है लिटा देते हैं या बाहर कहीं संरक्षण में देके आप अपनी नौकरी में चले जाते हैं, ये गलत है। वो कहा है कि माँ के गर्भाशय से बाहर आया ये ठीक है, किंतु उतने से उसका पूरा नहीं हुआ, माँ से और बहुत कुछ उसको मिलता है कि माँ के छाती से मिलता है, दूध तो देते ही है किंतु माँ के साथ उसको रहना चाहिए। और पिता को भी कहा है कि पिता का भी उसके साथ चाहिए, तो ये इसका अभी साइंटिफिकली किया है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रूफ किया कि जो बच्चे मादा से बिछुड़ करके रहते हैं उनका मन कुछ और ही बन जाता है, वो क्रूर कर्म करने वाले बन जाते हैं, उनको दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं होता, इत्यादि प्रूफ किया हुआ है। इसलिए माँ के साथ बच्चे को साथ में रखना है और इतने समय तक बाहर नहीं ले जा सकते। इसके बाद निष्क्रमण होता है चतुर्थे तृतीय, ये जो मास में इसके नामकरण के बाद जो महीना आता है उसके में निष्क्रमण कार्य करते हैं। तो निष्क्रमण में पहले सूर्य का दर्शन कराते हैं,
बाद में रात को चंद्रमा का दर्शन कराते हैं, फिर बाहर घुमा करके अंदर लाते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे दिन से आप मंदिर आदि में बाहर ले जा सकते हैं। और उसके बाद अन्नप्राशन होता है, हमारे यहाँ अन्नप्राशन के बाद ही मंदिर ले जाते हैं, उसके पहले मंदिर नहीं ले जाते बच्चे को। तो अन्नप्राशन कर्म तो आप सब लोग जानते हैं, तो अन्नप्राशन कर्म होता है। उसके बाद अन्नप्राशन हो गया, अभी चूड़ा कर्म आता है। चूड़ा कर्म बच्चे का तृतीय वर्ष में होता है, चूड़ा कर्म जिससे जिसको बाल निकाल के शिखा रखते हैं, तो शिखा रखने का कर्म चूड़ा कर्म है। ये सभी वर्ण के लिए विहित है, हिंदू धर्म मात्र के लिए विहित धर्म है, सभी लोग इसका आचरण करना चाहिए। इसका संबंध क्या है, हमारे दिमाग से है, वो दिमाग का जो काम है उससे इसका संबंध है। ये जो पार्ट है ये कवर रहना चाहिए, ये खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग के दृष्टि से हमारे खोपड़ी के दृष्टि से बहुत सेंसिटिव है वो पार्ट। और दूसरा, वहाँ शिखा रखने से और सुबह संध्या करते समय खोलते हैं बांधते हैं, रात को खोलते हैं बांधते हैं, ये बांधने खोलने का सब नियम है, जो लोग रखे हैं उनको मालूम है। इससे इधर एक मैसाज होता है, इधर एक विशेष तरह के जो है स्पर्श होते हैं, वो स्पर्श जो है दिमाग के काम करने में, दिमाग के एकाग्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यह है कि ये ऋषियों का ऋण, ऋषि ऋण का सूचक है, कि ये शिखा दे करके ऋषि लोग ये समझेंगे कि ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति हमारे हमको आदर करता है। और जो आपके ऋषि कौन है, वशिष्ठ आदि जो सप्तर्षि के गोत्र में ही सभी आते हैं, परंपरा से जो है अलग अलग गोत्र वाले हो गए, किंतु सप्तर्षि के साथ इनका संबंध है, तो वो सप्तर्षि आपको मानेंगे, इससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। पहले ही हमने कहा था ऋषि ऋण माने आपके बुद्धि के साथ संबंध है, इसीलिए शिखा रखना बहुत जरूरी है। पहले अभी अभी हमने बताया, पहले शिखा रखने से डरना पड़ता था, अभी किसी को शिखा रखने की कोई डरने की जरूरत नहीं, आप शिखा रखने योग्य है, अब शिखा रखना चाहिए। तो ये शिखा रखने का कर्म होता है। उसके बाद कर्णवेधन होता है, कान को छेद करने का, किसी किसी को करते हैं, किसी किसी को नहीं करते। आजकल कर्णवेधन केवल लड़कियों के होती है, पुरुष का नहीं होता है, किंतु पुरुष का बच्ची का दोनों का कर्णवेधन होता था पहले। और जो लड़की है, लड़की के लिए नासिका भी छेद करते हैं, तो उनका इस प्रकार होता है। ये नाड़ियों से संबंधित है, हमारे कुछ ऐसी नाड़ियां हैं जिनका जिनको जागृत करने के लिए यहाँ दबाना पड़ता है। हमारे स्कूल में जब छोटे बच्चे रहते हैं, आपको पता हो, कोई पढ़ के नहीं गया, ठीक से याद नहीं रखा, टीचर कहाँ पकड़ते थे, ऐसे कान पकड़ते, और गलत किया तो भी कान पकड़ने के लिए कहा। ये कान पकड़ने का क्या शास्त्रीयता है, यही इसका शास्त्रीयता है। कान के साथ हमारे स्मृति का संबंध है, और ये कान के यहाँ जो नाड़ियां हैं उसके साथ जननेन्द्रिय का भी संबंध है, ब्रह्मचर्य का भी कुछ संबंध है उसके साथ, ये सब उसके साथ संबंधित है। ये इसीलिए कान पकड़ने के लिए बोलते थे। और जो टीचर लोग कान पकड़ना नहीं आते हैं, कान पकड़ने का भी ढंग है, कहीं इधर उधर के खिला खींचना नहीं है, कान पकड़ने का एक स्थान है, वही कान पकड़ना चाहिए, जहाँ छेद करते हैं उसके नीचे के तरफ आता है वो स्थान, वही पकड़ना चाहिए, वहाँ पकड़ने से ठीक होता है, बाकी इधर उधर पकड़ने से नहीं होता। और वहाँ पकड़ने पर क्या है, थोड़ा सा भी दबाव दर्द होता है, और वो दर्द जो है दिमाग को चुस्त करेगा, ये काम का होता है, बाकी दर्द के लिए नहीं होता। बहुत सारे टीचर इसको नहीं जानते हैं, लेकिन ये अच्छा है, कान पकड़ना अच्छा है, पिटाई से भी बहुत काम का है, अपने आप ही पकड़ सकते हैं। और उसके बाद उपनयन होता है, उपनयन के बारे में पहले भी थोड़ा संक्षेप में बताया है कि आप गुरुकुल में जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए उपनयन के बाद। अब इसके लिए समय हमारे हिसाब से 8 साल से लेके कहा गया, अभी जो है ये 3 साल में 4 साल में सब घर से बाहर कर देते, ये बहुत गलत है, क्योंकि अभी कुछ रिसर्च हुआ है, इसका मैंने वो कोटिंग कहीं लिखा था, अभी रिसर्च हुआ इसके विषय में कि बच्चे को कब स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इससे, छोटे बच्चे को ऐसा स्कूल भेजने से, बाहर कर देने से। उसमें ये निश्चय किया गया कि 6 साल के पहले बच्चे को घर से स्कूल भेजना हानिकारक है,
उसका पूरा जीवन टेंशन में जाएगा, ऐसा कहा है वो, उसको रिसर्च करके पता लगा है। तो 6 साल का कम से कम 6 साल होना चाहिए, किंतु आजकल 2 साल में 3 साल में किंडरगार्टन क्या 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 बना रखा है, क्यों बनाया मालूम है? ये माता पिता उनको संभालना नहीं चाहते, और बच्चे को लालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक उनका लालन पोषण की आवश्यकता है। अब आप 2 साल में उसको बाहर कर दे गए तो आपको वो बच्चा मानेगा नहीं, जीवन बोलेगा कहाँ उसको मिला ही नहीं, वो छोटे बचपन से लेके पूरा लालन पालन वहां हो रहा है। तो ये लालन पालन में आपके साथ बहुत संबंध है, आपका खिलाना और बाहर का जो स्कूल का जो क्या होता है वो लेडी का जो खिलाना है, इसमें अंतर है। तो इसका असर बच्चे पर बहुत बुरे तरह पड़ता है। तो आप ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, क्यों बोल रहे? छोटे से जाके पढ़ेगा, ये ABCD सीख लेगा। अरे वो छोटे से जो सीखता है वो जो सीखेगा उसको काम आने के लिए कम से कम 8 साल होना चाहिए, तब जाकर के वो पढ़ने लायक लिखने लायक बनेगा। आप उस समय तक का सिखाना घर में ही करना चाहिए, 5 साल तक बाहर सिखाने भेजना नहीं, जो जो करना है आप घर में करो। तो ऐसा ही करना चाहिए, ये उपनयन का है। उपनयन होने के बाद वेदारंभ होता है, वेदारंभ गुरुकुल में गुरुजी करते हैं, वेदारंभ के बाद वेदाध्ययन उसका वहां शुरू होता है। आजकल उपनयन वेदारंभ सब एक ही काल में होता है, यहां भी वैसे ही कहा है, उपनयन के बाद दूसरे दिन या कुछ समय के बाद भी वेदारंभ कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा है इस हिसाब से वेदारंभ कर सकते हैं। वेदारंभ करना बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि उसमें कौन सी शाखा कौन से गोत्र ये सब देखना पड़ता है। और केशांत है वो 16 साल में करते हैं, वेद का कुछ शाखाओं का अध्ययन होने के बाद 16वां साल का जब लड़का हो जाता है उस समय केशांत करके मुंडन करके कुछ क्रिया होती है, इसको केशांत नाम है। उसके बाद समावर्तन है, उसके बारे में हमने कहा, ग्रेजुएशन है, पूरा पढ़ाई हो गई, अब वो गृहस्थ आश्रम के प्रति जाएगा, ये है समावर्तन। समावर्तन के बाद विवाह में आता है, तो विवाह गृहस्थ आश्रम में जो जाएगा विवाह करते हैं, तो विवाह इसलिए करते हैं कि वो वैदिक धर्मों को पालन करने के लिए, यज्ञ को करने के लिए, और ऐसे षोड़श संस्कार से बच्चे को संतति को उत्पन्न करके समाज को देने के लिए, और आपका जो कर्तव्य है उनको वहाँ पालन करने के लिए, शास्त्रीय कर्तव्यों को पालन करने के लिए वो वहाँ गृहस्थ आश्रम होता है। तो उधर जो है तीनों ऋण के बारे में कल हमने बताया, 3 ऋण की मुक्ति वहीं होती है। और क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो नहीं जाता है वो यज्ञ नहीं कर सकते, अयज्ञिको वही यो आया अपत्निक, जो यज्ञ नहीं कर सकता अपत्निक हो करके, इसलिए उसको पत्निक होना पड़ेगा। और इसमें आप विवाह कर्म में आप जानते हैं सप्तपदी आदि लेते हैं, 7 फेरा घूमते हैं, ये 7 फेरा घूमने का बहुत महत्व रखा है, क्योंकि 7वां फेरा जब पूरा होता है तभी वो कन्या का विवाह कर्म होता है। 7 फेरे के पहले कभी भी वो अपने को बदल सकती है, तो 7 फेरा पूरा होने के बाद वो उसके पति का हो जाता है। वो 7 फेरे का एक एक का मंत्र अलग अलग है, तो पहले मंत्र में एक बार बोलता हूं बाकी आप समझ लेना, यो इष एक पति भव सामा मनुव्रता भव विष्णुत्वा नयदु पुत्रान बिंदावहे बहुमस्ते संधु जरदृष्टयः। विष्णु भगवान सर्वत्र है, विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको हम साथ में लेके जा रहे हैं, हम लोग साथ में जो है अभी जीवन चलाने जा रहे हैं, तो ये परस्पर हम अनुव्रत होना चाहिए, पुरुष का व्रत स्त्री का, स्त्री का व्रत पुरुष का, दोनों मिलके एक व्रत हो करके हम पूरा इस जीवन को चलाएं, हमारे ऐश्वर्य का संपादन होना चाहिए, इस प्रकार करके एक एक फेरे में एक एक मंत्र बोल के एक एक सिद्धि प्राप्त करते हैं, कि उसमें ऊर्जा है और जो है अन्नादि की प्राप्ति है, पुत्र संतान की प्राप्ति है, और जो है यशस की प्राप्ति है, और इहलोक सुख की प्राप्ति है, परलोक सुख की प्राप्ति है, सारे कुछ होता है। और ऐसे करने वाले को और कोई कर्म नहीं करना पड़ता, किंतु आजकल ऐसे शादी में ये सब कर रहे हैं, किस लिए इसको ही पता नहीं है। तो शादी कराने के पहले बच्चों को बिठा के ये समझाना चाहिए, खाली माइक लगा के हल्ला करने से होता नहीं, ये नाच गाना करने से शादी हो गया ऐसे समझते हैं, कर्म करने वाला भी नहीं बताते हैं, जिसको करा रहे हैं वो भी नहीं बताते हैं, बहुत सुंदर बातें हैं।
और इसमें विवाह सूक्त है, बहुत लंबा है, वहां तो हमारा समय भी अधिक हो गया है, इसलिए अब जो है विवाह सूक्त है। आप विवाह सूक्त जहां मिलेगा लेके आप पढ़ के देखिए, आप बच्चों की शादी कराने के पहले उनको समझाइए, अति उत्तम हो, बहुत कुछ उसमें है, क्या भावना से वो करते हैं ये सब। अब उसके बाद में विवाह होने के बाद अग्नि आधान होता है, जिसमें प्रतिदिन देवताओं के लिए आहुति दी जाती है। ये अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग समय में अग्नि आधान करके पूजा करते, जो आप घर में पूजा पाठ करते हैं उसी के ही रूप में, उसी का प्रतिनिधि है, अग्नि आधान नहीं होते हुए पूजा पाठ रखा है। अब उसके बाद तो अंत्येष्टि में आ गए। अंत्येष्टि जो है अंतिम कर्म है मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि अग्नि में करने के लिए कहा कि अग्नि में अंत्येष्टि करने का ही महत्व हमने वेद में रखा है, क्योंकि यदि आप कब्रिस्तान बनाएंगे तो यह दुनिया पूरा कब्रिस्तान से भर जाएगा। तो अंत्येष्टि करना है, वो भस्म बनाना है, उसमें मंत्र है भस्मांधकम शरीरम इत्यादि जो मंत्र है, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में है और सामवेद का अलग है, अलग अलग शाखाओं का अलग अलग मंत्र विधान है, उसके साथ शरीर के अंत्येष्टि करते हैं। किंतु अंत्येष्टि करते समय क्या भाव रखते हैं, जो जो देवताओं से हमने इंद्रिय ग्रहण किया था, जो जो देवता इधर आके बैठे हुए थे, वो सारे देवता वापस जाए, वायुर अनिलम अमृतम अदेधम भस्मांधकम शरीरम, इस प्रकार की भावना से सूर्यम चक्षुर गच्छतु और पृथ्वी च धर्मणा आपो वा गच्छ यदि तत्र ते हिदम औषधीषु प्रतिष्ठ शरीर ही स्वाहा इत्यादि मंत्र वहाँ बहुत सुंदर बोला है, ऐसा अंत्येष्टि करते हैं। इसलिए अंत्येष्टि कर्म में हमारे जो पूर्वजों ने जो भाव रखा था उसका ये था कि उसने अपने जीवन को पूरा कर्म के धर्म के अनुसार पूरा किया, उसके बाद में वो यहाँ से चले गए, देवता देवता अपने अपने स्थान में चले गए, इस भाव से वो उसका जीवन पूरा हो जाता है। अब हमारे जो विचार करने की जो भी विषय था उसको संक्षिप्त में आपके सामने रखा, इसके बारे में और आप स्टडी करना चाहिए और इसको ठीक से समझना चाहिए और उसका आचरण आप करना चाहिए। ये जितने बताया इसका यदि आप आचरण करेंगे तो हमारा यहाँ आगे ये सब प्रयत्न करना सार्थक हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ, फिर मैं यही कह रहा हूँ, आप जो है इसका आचरण में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करें, कि बाकी तो आप कर रहे हैं और वानप्रस्थ की बात को लाएं, आप लाएंगे तो आगे वाला भी लाएंगे, कोई परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, आपको करना है, आपको हिम्मत करना है और अच्छा ही होने वाला है, उससे कोई बुरा नहीं होगा, ठीक है। और मेरा जो यहाँ आने का और इस प्रकार से करने का जो भी भगवान की कृपा से हुआ और आप लोग सब ये सुनते रहे, जो भी हमारे से कुछ ऐसा कोई शब्द ऐसा कुछ आपको लगा हो और किसी को कोई हर्ट हुआ हो, क्योंकि हमारे विषय ऐसा था कि समाज की बात भी कुछ करने पड़ते थे, घर के बात भी कुछ करने पड़ते थे, ऐसे ऐसे था कि आपको समझाने के लिए जो मैं सरल समझा हूँ ऐसा मैं आपके सामने रखा हूँ और आप उसको समझ करके आगे करें। और फिर अंत में मेरा ये प्रार्थना है कि अगले बार से यानी इससे आगे आप लोगों से ही कोई तैयार हो करके यहाँ बैठ करके प्रवचन करें, क्योंकि हमने बहुत प्रवचन आपके सामने सुनाया है, आप लोग सब अधिकारी है इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का पालन करके यहाँ पहुँचे हैं और आगे आपको प्रवचन करना है, हम कभी घूमते फिरते हुए यहाँ आएंगे तो हम सुनने के लिए बैठेंगे। विशेष करके हम जयंत भाई को और कृष्णकांत जी को दोनों को बोलते हैं नाम लेके कि आप आगे से इसको चलाना और जो सत्संग करना है इसी पर जो जो विषय आपको मिलेगा, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, ग्रंथों को ढूंढिए, जैसा हमने एकत्रित किया है आप भी कर सकते हैं, ये जो कुछ मिल रहा है आपको सब इधर आ जाएगा, आपको इधर उधर दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आपके गुरु कृपा है, इतना समय आपके लिए व्यतीत किया, ऐसा बोल के मैं आपसे विदा लेता हूँ और जो आगे हो भगवान की कृपा से हो। और मैं यही सुनना चाहता हूँ कि यहाँ इस प्रकार का विचार चल रहा है और जयंत भाई इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही हमको यहाँ लाया और बुलाया, सब कुछ व्यवस्था वही करते हैं,
तो मैं उनसे कह सकता हूं, बाकी किसी का नाम नहीं ले रहे, सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल है मुझे पता है। तो वो इस प्रकार से आगे आप में से ही कोई सेलेक्ट करे, आप सब लोग मीटिंग करें कि कौन करेगा, वो आप ही निर्णय करो और वोट डालो, फिर उनको बिठाओ और समझाने के लिए कहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की जय।